हाय फ्रेंड्स, मैं नली। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो देखते हैं कुछ नया बना लेते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, बड़ा बाउल है। इसमें हमने रवा डालेंगे, हम सूजी जो होती है वो 3 बाउल, एक ही आप माप बनाइए उससे 3 बाउल हमने सूजी ले लिया है। और इसी से 1 बाउल हमने खट्टा दही है, बहुत ही खट्टा दही है, घर का है, वो हमने डाल दिया है। चूँकि हम इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, इनो वगैरह या सोडा वगैरह जो लोग डालते हैं वो नहीं डालेंगे हम। और थोड़ा थोड़ा करके पानी, जितनी ज़रूरत होगी उतना हम पानी इसमें ऐड करेंगे। चूँकि पानी को सूजी सोख कर लेती है इसलिए हमें पानी हिसाब से ही अपने डालना है। और इसको जब ढक कर रखेंगे तो बाद में भी हम देखेंगे कि सूजी में अगर कम पानी है तो हम पानी और ऐड करेंगे। उसको खूब अच्छे से फेंटना है, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, तभी आपका फ्लफी बनेगी। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्टनेस आ जाती है, आप खूब अच्छे से फेंटोगे तो। ढक कर रख देते हैं 1/2 घंटे के लिए हमें। और ये देखिए, इसके अब हमने खोल कर देखा है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया था ज़रूरत के हिसाब से। अब यहाँ पर हम पिज़्ज़ा सॉस ले लेंगे, जो पिज़्ज़ा सॉस आता है मार्केट में, कोई भी फ्लेवर आता है वो हम इसमें डालेंगे। एक हिस्से में हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे 1 चम्मच। अगर आप बनाएंगे तो इसका देखिएगा इतना बढ़िया टेस्ट आता, बिल्कुल डिफरेंट लगता है। तो हम येलो कलर लेने के लिए इसका हमने इस्तेमाल किया है। और दूसरा कलर लेने के लिए हमें, ग्रीन कलर के लिए हमने चिली सॉस डालेंगे 1 चम्मच, प्लस थोड़ा सा हमें पिंच भर फूड कलर भी डालना पड़ेगा, तो इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और एक हमें वाइट रखना है, तो 3 हिस्से आपको करने हैं बराबर के। और हमने ये केक मोड ले लिया है, बिल्कुल डिफरेंट हम बता रहे हैं आपको। केक मोड ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा लीजिए, और इसमें बहुत ऊपर तक आपको नहीं भरना है क्योंकि ये फूल जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप डाल लीजिए, बहुत ही झटपट बनने वाली चीज़ है ये। इसको आप इडली बोलिए या केक बोलिए, किसी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। इसमें इडली की भी, उसकी जो मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इस केक मोल्ड में आराम से बना सकते हैं। इसको हम आपको बताएंगे माइक्रोवेव में बनाना। ये देखिए किस तरीके से जल्दी से बन के तैयार होती है। माइक्रोवेव में हमने लगा दिया है। अब हम पहले से हमने प्री हीट करके रख लिया था 10 मिनट के लिए, कन्वेक्शन मोड पर हमने 10 मिनट के लिए इसको लगाया। 10 मिनट के बाद देखिए कितनी अच्छी हमारी ये इडली बनकर तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा बटर ऊपर से ब्रश कर देंगे, इसको आप केक बोलिए या इडली बोलिए। और ये खाने में इतनी स्वाद होगी कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, बहुत ही झटपट बन जाती है, इसमें टाइम भी नहीं लगता। और अभी हम थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसको निकाल कर दिखाते हैं आपको कि कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। और चूंकि इसमें हमने ये पिज़्ज़ा सॉस वगैरह डाला है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और आपको कुछ नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा बस नमक डालना है, चूँकि इसमें भी नमक होता है तो हमें ज़्यादा नहीं डालना है। देखा कितनी स्पंजी बना हुआ है। और इसको आप चाहिए तो नाश्ते में आप इसको बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में डाल सकते हैं। जब भी आपका मन हो तो 20 से 2 हिस्से करके आप इसको भून भी सकते हैं इस तरीके से, या ऐसे आप जब भी खाने का मन हो माइक्रोवेव में गर्म करिए और आप खा लीजिए। तो देखा फ्रेंड्स, अगर पसंद आती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए।